जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखता हूँ। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूज्य पिता श्री गुरु रजीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं दंत ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है जिसके सिद्धांतों को हमारे ऋषि मुनियों ने वर्षों की तपस्या से और रिसर्च कर हमारे धर्म शास्त्रों में अंकित किया है। मैं आज इन्हीं वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर और आज के ग्रह नक्षत्रों की स्थितियों के आधार पर आपको आपका राशिफल बताने जा रहा हूं। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, यह सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले एक साल में जो हमने आपसे जो प्यार पाया है, जो आपने अपने स्नेह और आशीर्वाद हमें दिया है, जिस कारण आज हम 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं, सीधे 10,00,000 सब्सक्राइबर्स की जो आंकड़ा है उसको पार कर चुके हैं, उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। प्रिय भक्तगणों, ऐसे ही आप सभी हमें अपना प्यार देते रहें और हमारी वीडियोस को पसंद करते रहें, यही हमारी आशा है। जिन भी भक्तगणों ने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो उन तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें, उस पर अपना नाम लिख के कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मैं आशा करता हूं कि आप भारी से भारी संख्या में अपना कमेंट्स के माध्यम से हमें प्यार इस वीडियो को अवश्य ही दें। आज 14 नवंबर 2019 दिन गुरुवार, मार्गशीर्ष मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज द्वितीय तिथि शाम 7:55 तक रहेगी और उसके पश्चात तृतीय तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:44 से लेकर 12:27 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल दोपहर 1:25 से लेकर 2:45 तक रहेगा। इस दौरान आप किसी भी शुभ कार्य करने से परहेज करें। आइए अब जानते हैं कि मेष यानी कि एरीज राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज वर्क प्लेस पर आपको अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज आपके सहकर्मी ही आपके विरोध हो जाएंगे और आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। आज आपके बॉस से भी आपको डांट फटकार मिल सकती है, परंतु भाग्य आज आपका साथ दे रहा है जिसकी सहायता से आज आप परेशानियों से निकल सकते हैं। बस आपको जरूरत है कि आप संयम से काम लें और ध्यान पूर्वक अपने कार्यों का निर्वाह करते रहें। आज आप वर्क प्लेस की पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना हो, अन्यथा आपको अपमानित होना पड़ सकता है। आज आपके भाई बहनों के साथ भी आपके संबंधों में कड़वाहट आ सकती है। आज भूरी गाय की सेवा करना आपके लिए फायदेमंद होगा। आज आप अपने आप सर को ढक कर रखें और टोपी पहने। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। तो आइए अब जानते हैं कि आज का दिन वृषभ यानी कि टॉरस राशि वाले जातकों के लिए कैसा होगा। आज आपको रात में चैन की नींद लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और बुरे सपनों के कारण आज आपकी नींद बार बार भंग होगी। आज रात को सोने से पहले मेडिटेशन अवश्य करें, इससे आपको मानसिक शांति की अनुभूति होगी और सभी नेगेटिव थॉट्स मन से निकल जाने से आपको निद्रा लेने में आसानी होगी। यदि आप अभी तीर्थ यात्रा पर जाने का विचार बना रहे हैं तो अभी के लिए उसे टाल दें, क्योंकि आज तीर्थ यात्रा करने से आपको फल प्राप्त नहीं होंगे और आपकी यात्रा में भी अड़चनें उत्पन्न होंगी। जिन भी लोगों का पार्टनरशिप में व्यवसाय है आज उनके लिए दिन बहुत शुभ है और आज अपने पार्टनर के साथ मिलकर आप ऐसे फैसले लेंगे जो आपके व्यापार को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। आज आपके संबंध आपके बिजनेस पार्टनर के साथ और मजबूत होंगे और आपसी तालमेल भी बेहतर होगा।
यदि आप दोनों के बीच में कोई विवाद है तो आज उसे शांति से बैठकर सुलझाने के लिए बहुत ही अच्छा दिन है, क्योंकि आज आपके आपसी मतभेद भी मिट जाएंगे। आज यदि आप अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर अपने कार्यस्थल की ओर प्रस्थान करते हैं तो ये आपके करियर के लिए बहुत लाभप्रद होगा। वृषभ राशि वालों, अगर आप अपने प्रेम संबंधों में प्रेमी प्रेमिका के बीच में कोई भी दिक्कतें आ रही हैं, तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित पन्ने की अंगूठी अवश्य धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनी शिष्य जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मिथुन यानी कि जेमिनी राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज वर्क प्लेस पर आपको नेतृत्व दिखाने का मौका मिलेगा और आप किसी प्रोजेक्ट के टीम लीडर भी नियुक्त हो सकते हैं। आज आपको जरूरत है कि आप सावधानी से अपनी टीम का चयन करें और अपने सभी टीम मेंबर्स के बीच में भरोसा कायम करने की कोशिश करें। एक टीम लीडर होने के नाते यह आपका फर्ज है कि आप अपने सभी टीम मेंबर्स में आत्मविश्वास जगाएं और आपसी तालमेल को बेहतर करने के प्रयास करें। टीम लीडर के दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वाह करने से आज आपके करियर ग्रोथ के नए ऑप्शंस खुलेंगे और आपको बॉस से भी रिकॉग्निशन मिलेगा। दूध और पानी से संबंधित व्यापार करने वाले लोगों को भी आज विशेष तौर पर मुनाफा कमाने का अवसर प्राप्त होगा और उनके व्यापार में तेजी आएगी। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या राजनीति के क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, आज उनको किसी बड़े राजनेता से मुलाकात करने का अवसर प्राप्त होगा और पॉलिटिक्स में एंट्री के आपके रास्ते खुल जाएंगे। आज काले कुत्ते की सेवा करना आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। अब बताने जा रहा हूं कर्क यानी कि कैंसर राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज स्वास्थ्य अच्छा ना होने के कारण आपको अपने कार्यों में रुचि लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बार बार भ्रमित हो जाने से आज आप अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। आज आपको जरूरत है कि आप प्रातःकाल उठकर व्यायाम अवश्य करें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने की कोशिश करें। आज आप तला भुना खाना भी अवॉइड करें। अपने गृहस्थ जीवन में आज आपको मानसिक तनाव होने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि आज आपके लाइफ पार्टनर से आपकी लड़ाई हो सकती है। अपने लाइफ पार्टनर को मनाने के आज आपके सभी प्रयास भी विफल हो जाएंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि आए दिन आपके गृहस्थ जीवन में मनमुटाव की स्थिति बनी रहती है और बेवजह ही झगड़ों के कारण आपका रिश्ता टूटने के कगार पर पहुंच चुका है, तो तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करें और गुरु रजनी शिष्य जी या गुरु मां रुक्मणी से अपनी और अपने पार्टनर की कुंडली दिखवाकर ऐसे उपाय प्राप्त करें जिससे आपके प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। आज यदि आप किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पूर्व मीठा खाते हैं तो आपको उस कार्य में सफलता प्राप्त होगी। आज आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सिंह यानी कि लियो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आप धर्म धर्म के कार्यों में भाग लें और यदि हो सके तो अपने घर पर भी धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करें। आज सच्चे मन से भगवान को याद करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आप मन वांछित फल प्राप्त करेंगे। आज का दिन विशेष तौर पर छात्रों के लिए शुभ है जो मैथमेटिक्स अर्थात गणित पढ़ते हैं। आज आप गणित के मुश्किल से मुश्किल सवाल भी आसानी से हल कर लेंगे जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा। आज उन छात्रों को भी गणित को समय देना चाहिए जो किसी वजह से गणित को मुश्किल समझते हैं या उसमें रुचि नहीं लेते हैं। पर स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि जो भी टॉपिक आज वे पढ़े उसे कंप्लीट करने के बाद ही उठें, अन्यथा वह टॉपिक बहुत लंबे टाइम के लिए लटक जाएगा। आज यदि आप झूठ बोलते हैं तो समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है। आज प्रातः काल उठकर पवित्र होकर हनुमान जी के मंदिर जाकर उनको सिंदूर चढ़ाना और लड्डू का भोग लगाना आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। सिंह राशि वालों, अगर आपको नौकरी मिल पाने में अड़चने आ रही हैं या आप अपनी नौकरी में परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित हीरे की अंगूठी या उसका सब्स्टिट्यूट अवश्य ही धारण करना चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनी शिष्य द्वारा
अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूँ। चलिए अब जानते हैं कि कन्या यानी कि वर्गो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपके भाई बहनों के साथ संबंध और मधुर होंगे और यदि आप अपने भाई बहनों के साथ मिलकर किसी कार्य की जिम्मेदारी लेते हैं तो आप उन कार्यों को सफलतापूर्वक अंजाम दे पाएंगे। यदि आप सेना या पुलिस में कार्यरत हैं तो आज आपको अपने पराक्रम के लिए मेडल या पुरस्कार मिल सकता है और आप अपने उच्च अधिकारियों की प्रशंसा के पात्र बनेंगे। वर्क प्लेस पर भी आज आपको धैर्य रखने की क्षमता के कारण अपने बॉस से वाहवाही पाएंगे और जिससे आगे चलकर आपके पदोन्नति के अवसर खुलेंगे। व्यवसायिक लोगों को आज अपने कार्यस्थल पर सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि आज आपको भ्रमित हो जाने के कारण कोई बड़ा ऑर्डर आपके हाथ से निकल सकता है या आप कोई गलत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिससे आपका धन नष्ट हो सकता है। आज प्रातःकाल चिड़ियों को दाना पानी डालना आपके लिए शुभ होगा। आज आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूँ। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं या आपके बच्चे बीमार रहते हैं या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर या ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से या गुरु मां रुक्मणी जी से या न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अपने लिए या अपने बच्चों के लिए एक लकी नाम जानने के लिए, अपने व्यापार के लिए एक भाग्यशाली नाम जानने के लिए जिससे कि आप दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करें, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी जिसका प्रयोग शनिपीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, घर कर्म के काम जैसे कि यज्ञों महायज्ञों के आयोजन के लिए, प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि तुला यानी कि लिब्रा राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपका लाइफ पार्टनर आपको अत्यंत क्रोधी प्रतीत होगा, इसलिए ऐसा हो सकता है कि आज आपको उनको शांत करने के एफर्ट्स करने पड़े, पर अगर आप उनके गुस्से का जवाब गुस्से से देंगे तो यह आप दोनों के रिश्ते पर भारी पड़ सकता है और इससे किसी का भी भला नहीं होगा। तो इसलिए आज आपको स्वयं को भी शांत रखना है और अपने पार्टनर को भी शांत करने के प्रयास करने हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आए दिन आपका अपने पार्टनर के साथ झगड़ा हो जाता है और आपके गृहस्थ जीवन में सदा कलेश का माहौल बना रहता है तो तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करें और गुरु रजनीश ऋषि जी या गुरु मां रुक्मणी द्वारा अपनी और अपने पार्टनर की कुंडली दिखवाकर ऐसे उपाय प्राप्त करें जिनसे आपके प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। आज आप किसी भी कार्य को आरंभ करें तो उससे खत्म अवश्य करें, अन्यथा वह सदा के लिए इनकम्प्लीट रह जाएगा। यदि आपका आज अदालत में कोई जमीन से संबंधित मुकदमा चल रहा है और आज उसका फैसला आने वाला है तो यह फैसला आज आपके विरुद्ध आ सकता है। आज दूध से बना मीठा हलवा बनाकर बच्चों में बांटना आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। अब मैं बताने जा रहा हूं वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। धर्म कर्म के कार्यों में आज आपकी रुचि बढ़ेगी। आज घर पर धार्मिक अनुष्ठान कराने के लिए आपका दिन शुभ है और यदि आप आज यज्ञ हवन का आयोजन घर पर करते हैं और भगवान से कोई मनोकामना मांगते हैं तो वह आज अवश्य ही पूर्ण होगी।
आज आपके पितृपक्ष की ओर से आपको कोई विशेष लाभ प्राप्ति की संभावना भी दिखाई दे रही है। पार्टनरशिप में व्यवसाय करने वाले लोगों को आज उस व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी और उनके व्यापार की पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा। अपने व्यापार की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए यदि आप सोशल मीडिया पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन शुभ है। आज आपका भाग्य थोड़ा कमजोर प्रतीत हो रहा है, इसलिए आज आप शेयर बाजार, जुआ, सट्टा बाजार इत्यादि में धन इन्वेस्ट करने से बचें। आज आप तामसिक पदार्थ जैसे प्याज लहसुन का प्रयोग करने से भी बचें। वृश्चिक राशि वालों, अगर आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं तो अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित मूंगे की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग के एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 4 स्टार देता हूं। अब मैं बताने जा रहा हूं धनु यानी कि सैजिटेरियस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज आपका क्रोध चरम सीमा पर पहुंच सकता है, जिस कारण आपका अपने परिवार के सदस्यों के साथ झगड़ा भी हो सकता है। आपके धन के घटते भंडार भी आज आपकी चिंता बढ़ाएंगे। आज आपके कार्यस्थल पर आपके सहकर्मी ही आपके दुश्मन बन जाएंगे। वे आज आपकी छोटी से छोटी गलती भी पिन पॉइंट करके सबकी नजरों में ले आएंगे। आज आपके बॉस भी आपसे नाराज रह सकते हैं। यदि आप अपने करियर में जॉब, प्रमोशन, ट्रांसफर इत्यादि से संबंधित किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं तो तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करें और गुरु रजनीश ऋषि जी या गुरु मालुकमणि द्वारा अपनी कुंडली दिखवाकर ऐसे उपाय प्राप्त करें जो आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा देंगे। आज आप अपने माथे पर चंदन का तिलक अवश्य लगाएं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो चमत्कारी उपाय जिसे हर राशि का जातक करके आज कर्ज से मुक्ति पा सकता है। आज प्रातःकाल उठकर पवित्र होकर आप मंदिर जाएं और शिवलिंग पर मसूर की दाल चढ़ाएं। शिवलिंग पर दाल चढ़ाते हुए आज आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। मैं आप सभी के लिए दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। यदि आप आज इस उपाय को श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो अवश्य ही आप सभी कर्जों से मुक्त हो जाएंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आत्मविश्वास की कमी से आप उत्साहहीन रह सकते हैं, जिससे आप कार्य में रुचि नहीं ले पाएंगे। आज मानसिक अशांति ही आपकी लापरवाही का कारण बन सकती है, परंतु व्यवसायिक लोगों को आज अपने व्यवसाय में तरक्की करने के नए अवसर प्राप्त होंगे और कस्टमर बढ़ने से आज उनकी इनकम में भी इजाफा होगा। आज आपको अपने कस्टमर्स को खुश रखने का हर संभव प्रयास करना चाहिए और प्रायोरिटी से अपने कस्टमर्स के सभी ऑर्डर्स को पूरा करना चाहिए। आज आपके संबंध आपके मित्रों के साथ भी मजबूत होंगे, परंतु अपने लाइफ पार्टनर के साथ आज आपकी कलह होने की संभावना दिखाई दे रही है। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। चलिए अब जानते हैं कि कुंभ यानी कि एक्वेरियस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज यदि आप तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं तो ये विचार अत्यंत उत्तम है और आज तीर्थ यात्रा करने से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आज आपकी धर्म कर्म के कार्यों में भी रुचि बढ़ेगी। आज आपके अध्यात्मिक गुरु आपको ऐसा पाठ पढ़ाएंगे जो आपको पूरी जिंदगी काम आएगा और इसलिए आज आपको अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। स्टूडेंट्स को आज जरूरत है कि यदि उनको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो वे अपने अध्यापकों के पास जाकर अपने डाउट्स को क्लियर करें। यदि आप अपनी हिचक दूर करके अपने अध्यापकों के पास जाकर आज उनसे सवाल पूछते हैं तो आपके अध्यापक आपसे प्रसन्न होंगे। आज आप अंडा, मीट, मुर्गा, शराब इत्यादि का सेवन करने से परहेज करें। कुंभ राशि वालों, अगर आपका अपना मकान नहीं है या आप अपने सपनों का मकान जल्द से जल्द खरीदना चाहते हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध
प्राण प्रतिष्ठित हीरे की अंगूठी या उसका सब्स्टिट्यूट अवश्य ही धारण करना चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूँ। आइए अब जानते हैं कि मीन यानी कि पाइसेस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज व्यवसाय करने वाले लोगों को अपने कार्यस्थल पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आज प्रोडक्शन लाइन की मशीनरी में कुछ खराबी आने से आपको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। स्टूडेंट्स भी आज भ्रमित होकर डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ने में अपना समय व्यर्थ कर सकते हैं, इसलिए आज स्टूडेंट्स को जरूरत है कि वे अपने पुराने सब्जेक्ट को रिवाइज करें और कोई भी नया सब्जेक्ट शुरू करने से परहेज करें। आज आपका गुस्सा भी बढ़ सकता है जिस कारण आप बेवजह ही झगड़े मोल ले सकते हैं, इसलिए आज आपको जरूरत है कि आप मेडिटेशन करके अपने मन को शांत करें और अपने एक्सेसिव एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाएं। आज काले वस्त्र साधु को दान करने से भी आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूँ। क्या आपके बच्चे का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लग रहा? क्या आपका बच्चा होमवर्क करने के बजाय टीवी सीरियल देख करके बिगड़ रहा है? क्या आपका बच्चा किसी बुरी संगत में पढ़कर बिगड़ गया है? तो आज ही 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर वाले परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें